हेलो फ्रेंड्स, ये रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल रतनकुवर। आज हम फ्रेंड्स बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला टूटी फ्रूटी केक बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और केक को हम जो है कढ़ाई में बनाएंगे, तो इसे बेक करने में कभी कभी 50 से 55 मिनट भी लग सकते हैं, तो आप कर सकते हैं बीच बीच में। आप चाहे तो बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। केक बनाते समय आपको सिर्फ 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप कढ़ाई में या कुकर में केक बना रहे हो तो उसे आप पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दीजिए। स्पून के ऊपर इस तरह से उंगली घुमा के आप जो है परफेक्टली मेजरमेंट लीजिए और केक को जो है एकदम ठंडा होने के बाद ही इस केक को काटिए। गरम केक को काटने से ये बिखर जाता है। और इसे लो फ्लेम पे 50 से 55 मिनट तक आपको बेक करना है। तो इन्हीं कुछ बातों का आप ध्यान रखते हुए केक बनाएंगे तो आपका केक जो है बेकरी से भी ज्यादा अच्छा घर पे केक बनेगा। फ्रूटी एगलेस केक बनाने के लिए हमने 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। मैदा को आप छान के लीजिए। और 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी ली है। 1 कप मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है। 1/2 कप मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है। आप तेल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। और बेकिंग पाउडर हम लेंगे, तो पहले आप 1 टीस्पून डालिए, फिर उसके बाद में 1/4 टीस्पून डालिए। 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा लेंगे और 1/4 टीस्पून के करीब हम नमक लेंगे, या फिर आप एक चुटकी नमक ले सकते हैं। वेनिला एसेंस का इस्तेमाल करेंगे हम 1 टीस्पून के करीब। और टूटी फ्रूटी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 1/4 कप के करीब। मैंने यहाँ पे कुछ किशमिश लिए हैं, ये फ्रेंड्स ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हैं। एक हम बाउल ले लेंगे, इस बाउल में हम ये दही ऐड कर देंगे, ये हमारी पीसी हुई चीनी है पाउडर शुगर, ये ऐड कर देंगे, सोडा, बेकिंग पाउडर और ये नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, हम इस तरह से मिक्स कर दिया है और इस बैटर को हम साइड में रख देंगे। ये हम केक का मोल्ड ले लेंगे, तो ये देखिए मैंने मोल्ड जो है तैयार कर लिया है। इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है और किसे मैंने ग्रीस कर दिया है। एक कढ़ाई को हम सबसे पहले प्री हीट करने के लिए रख देंगे, जिसमें हम नमक डाल देंगे तले। इसमें हम थोड़ा सा मैदा डाल देंगे, मैदे से हम इसको डस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, इस तरह से मैदे में हम कोट कर देंगे ताकि हमारी टूटी फ्रूटी जो है केक के तले ना बैठे। देखते हैं, दही के ऊपर आपको बबल्स दिख रहे होंगे, तो इस तरह अब हम इसमें ये दूध ऐड कर देंगे, तेल भी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम 1 टीस्पून के करीब वेनिला एसेंस डाल देंगे, तो ये देखिए मैंने इसमें वेनिला एसेंस भी डाल दिया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते हुए कर देंगे। मैदा आपको एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके आप मैदा ऐड करेंगे तो इसमें कोई लम्स नहीं रहेगा। और हमें केक को है जो एक ही डायरेक्शन में इस तरह से चलाते हुए हमें इसका इसे मिक्स कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसमें ये टूटी फ्रूटी और किशमिश से जो डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। फटाफट से ये केक टिन में हम डाल देंगे, इसे बीच में डालिए ताकि इवनली सब जगह फैल जाए। तो इसे 2 से 3 बार इस तरह से आप टैप कर दीजिए ताकि इसमें एयर बबल्स जो है निकल जाए। ये देखिए मैंने कढ़ाई को पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब देख सकते हैं मैंने इसमें तले नमक डाला है, 1 कप नमक डाल दीजिए आप। नमक की जगह आप बालू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नमक आपको काला दिख रहा होगा क्योंकि इस नमक को मैंने बहुत बार केक बनाने में इस्तेमाल किया है, तो इसे मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था। अब हम इसमें हमारा केक का टिन रख देंगे और इसे हम ढक के लो फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे। आप बीच में 30 से 40 मिनट के बाद इसे चेक कर सकते हैं। अरे इसे 55 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम इस तरह से चाकू की सहायता से अंदर इस तरह से डाल के देख लेंगे। ये देखिए चाकू हमारा सूखा आ रहा है, तो ये जो है हमारा केक है बेक हो चुका है, तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा केक जो है ठंडा हो गया है, इसे हम मोल्ड से बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं हम निकाल देंगे, आप इसमें जाली देख सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे सीधा कर दिया है, चाकू की सहायता से हम इसके पीसेस कट कर देंगे। तो ये देखिए केक ठंडा हो गया, मैंने 2 स्लाइस काट दिए हैं। तो ये देखिए मैंने काट दिया है, टूटी फ्रूटी केक बनके तैयार हो चुका है। तो मेरा वीडियो जो है फ्रेंड्स एंड तक देखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी।